हालेलुया। आज शाम इस प्रेयर लाइन में जितने लोग हैं उन सभी को प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार देते हैं, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। हम इस प्रेयर लाइन की शुरुआत करेंगे। हालेलुया। मिलकर हम एक मिनट सब लोग परमेश्वर की ओर अपने नजरों को उठाकर परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इस शाम के समय में इस प्रेयर लाइन के द्वारा तेरा पवित्र चरणों में अपने अपने भवनों में और अन्य परिस्थितियों में होकर भी परमेश्वर के चरणों में आने के लिए तूने हमें कृपा दिया, इसलिए धन्यवाद। पिछले दिनों में इस हिंदी प्रेयर लाइन को तूने चलाया, इसलिए धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने इस प्रेयर लाइन को लीड किए, जिन जिन लोगों ने गीत गाए और जिन जिन लोगों ने वचन की सेवकाई किए, प्रार्थना किए, उन सभी के लिए मैं आज प्रार्थना करता हूँ। उन सभी को तो आशीष दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा आज हमें अगुवाई दिए। हालेलुया। जैसा इस प्रेयर लाइन चलाना है उसका हमें कोई ख्याल नहीं है, लेकिन परमेश्वर तेरे इच्छे के अनुसार हालेलुया इसको चलाने के लिए, आगे लीड करने के लिए, और जितना भी लोग इसमें आज सेवकाई करेंगे, भले या वचन की सेवकाई हो या गीत की सेवकाई हो या प्रार्थना कर सहयोग देते हो, उन सभी चीजें, उन सभी वस्तुएं परमेश्वर यीशु के नाम की महिमा के लिए हो जाए और पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हो जाए, ये हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अन्य अन्य अलग अलग विषयों को स्मरण करते हुए प्रार्थना करने के लिए भी तू अन्य हमें कृपा दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 सारे मान और महिमा हम तुझी को देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन। हालेलुया। धन्यवाद देते हो आप सभी को। हम थोड़ी समय प्रार्थना के लिए अलग अलग रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अलग अलग विषयों को जब मैं परमेश्वर की चरणों में रखेंगे, इस प्रेयर लाइन में जितने लोग हैं उसमें से एक एक अपना आवाज को ऊपर उड़ाते हुए प्रार्थना करने के लिए विनती करते हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में आप सभी को मालूम है पंजाब में गुरुदासपुर में कुछ टेररिस्ट का कुछ एक्टिविटीज हुआ है। एक पुलिस स्टेशन को उन लोगों ने कब्जा किया है और कुछ लोगों को बंदूक से गोली मारकर मार दिया गया है। हाल अभी कैसा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पंजाब की हालत हम सब समझते हैं। पहले एक टाइम ऐसे थे बहुत ही टेररिस्ट एक्टिविटी के कारण बाहर निकलना, जीना, आराधना करना वो सब मुश्किल बन गए थे। उसके बाद जो शांति थे उस शांति को भंग करते हुए अभी वो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुआ है। हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे पंजाब में शांति के लिए। हालेलुया। पहले जैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ने ना दे, उसको कोई सपोर्ट ना दे, पब्लिक उन्हें रिजेक्ट कर दे। हालेलुया। और परमेश्वर की संत लोग जो लोग वहां हैं उनको कोई भी हानि ना पहुंचे। हालेलुया। हम खास कर इस विषय को लेकर प्रार्थना करेंगे कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज का अभी वहाँ शुरुआत हो रहा है वो कोई भी रीति से स्प्रेड ना हो जाए। हालेलुया। और उसका अंत हो जाए। वहाँ की पुलिस ऑफिसर्स, वहाँ की अन्य अन्य जो कुछ लोग उसका समाधान की ओर ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनकी कोशिश में परमेश्वर की कृपा उनके साथ रहे। हालेलुया। और जिन लोग मर गए हैं उनके परिवारों को भी स्मरण करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पंजाब के लिए पहले हमारा प्रार्थना सुना है। हालेलुया। और प्रार्थना करने के लिए भाई साहब आपने जो तात्पर्य प्रकट किया इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। अब समय यह है कि हम सिस्टर बिनु जोसेफ से एक गाना सुने। बिनु बहन सऊदी अरेबिया से इस गीत को गाते हैं और हम प्रार्थना के साथ उस गीत सुनने के लिए तैयार रहेंगे। सिस्टर बिनु आप लाइन पे हो? हाँ जी है। हाँ जी, गीत गाइएगा। परम प्रधान के छाए हो ये स्थान में जो बैठो रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना वह पाएगा यह भाग्य है।
सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना वह पाएगा ये भाग्य है। उसकी पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छेद पालेगा पैरों में। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छेद पालेगा पैरों में। यहोवा मेरे शरण है, मेरा गढ़ और फाटक वो है। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल झिलम है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल झिलम है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छेद पालेगा पैरों में। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छेद पालेगा पैरों में। रात के हर एक भय से दिन में उड़ने वाले अंधकार में पले वाले महारोग से मैं डरूंगा कभी ना। अंधकार में पले वाले महारोग से मैं डरूंगा कभी ना। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छेद पालेगा पैरों में। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छेद पालेगा पैरों में। यीशु मेरा सहारा, कोई विपत्ति न आएगी, कोई दुख मेरे डेरे में न आएगा, क्योंकि दूतों का पहरा होगा। कोई दुख मेरे डेरे में न आएगा, क्योंकि दूतों का पहरा होगा। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छेद पालेगा पैरों में। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छेद पालेगा पैरों में। तेरे सब मार्गों में तुझे दूतों का पैरा मिलेगा, तेरे पावों को पत्थर से ठेस न लगे, तुझे हाथों में उठा लेगा। तेरे पावों को पत्थर से ठेस न लगे, तुझे हाथों में उठा लेगा। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छेद पालेगा पैरों में। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छेद पालेगा पैरों में। कष्टों के समय उसे दे, जब मैं उसको पुकारूंगा तब छुटकारा देकर वह रक्षा करेगा। मेरा प्राण प्रिय यीशु है, तब छुटकारा देकर वह रक्षा करेगा। मेरा प्राण प्रिय यीशु है। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छेद पालेगा पैरों में। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, छेद पालेगा पैरों में।
उसकी पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, जे पालेगा परमेश्वर। उसकी पंखों के नीचे शरण मिलेगी तुझे, जे पालेगा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, सुंदर गीत के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इस गीत को गाने के लिए परमेश्वर की दासी को परमेश्वर ने कृपा दिया। परमेश्वर की पंखों के नीचे हमें शरण मिलना हमारे जीवन का सबसे सौभाग्य वाला एक अवस्था है। हालेलुया। दुनिया के लोग शरण पाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन हमें शरण देने वाला परमेश्वर की पंखों के नीचे आने के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा दया हमारे ऊपर प्रकट किया है। हालेलुया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। गीत गाया हुआ बहन को धन्यवाद देते हैं। आने वाला दिनों में परमेश्वर ने बहुत से आशीष भरे और सेवकाय में बैठने के लिए कृपा दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समय वचन से सुनने के लिए है। आज वचन का प्रचार करने वाला परमेश्वर की श्रेष्ठ दास पास्टर पीजे मैथ्यू आज हमसे बात करेंगे। एक बड़ी अच्छी सेवकाई भारत में करने वाला परमेश्वर की दास है। हम बड़ी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे। पास्टर साहब, आप लाइन में हो? आपके लिए अभी समय दिया गया है परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए। परमेश्वर आशीष दे। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. मेरा आवाज सुनने वाला सबको, खास तौर से इसका संगठन और इसका जो अध्यक्ष है उसको सब प्रभु यीशु मसीह का मीठा नंबर मेरा नमस्कार। मेरे एक ऐसा एक मौका हजार करने के लिए मिला, इसलिए हम धन्यवाद करता। मेरा पितरे गवाही जो है तो मैं सन 59 से लेकर सन 99 तक भोपाल में रहते हुए मध्य प्रदेश का विभिन्न जिला में, पूरा शहर में, जिला में, गांव गांवों में, आखिरी आदिवासी तक लोगों के पास जाकर सुसमाचार घर एक एक घर बिना छोड़कर प्रचार करने के लिए मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद करता है। अभी हम प्रभु का सेवकाई में सिरल्ला खवियोरा जगह में ये चर्च में सेवकाई करता हूँ। मेरे को आज ऐसे मौका मिला, इसलिए हम धन्यवाद करता हूँ। मैं वचन से ये पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय का 9 पद में ऐसा लिखा हुआ, यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यहोवा सारे लोगों को आज इसी वक्त भी पूछता है, तुम कहाँ हो? पुराना नियम में बाइबल में पढ़ते वक्त आदम अव्वा दो व्यक्ति था, उसको प्रभु ने यहोवा ने अधिकार दिया क्या क्या करना है, लेकिन वो उसने जो बोया बोला वायदा का छोड़कर अपना गलती किया, तब उसको परमेश्वर ने जो नियुक्त दिया जगह से उसको अलग कर दिया। अलग करके उसके पहले रोज परमेश्वर ने वो मनुष्य को बात आकर उसको चाल चलन द्वारा पूछा था, लेकिन जब उसने पाप किया तब परमेश्वर ने उनसे बोला, वो अलग हो गया था। अलग होने से बाद वो प्रभु परमेश्वर जो रोज दिन करता वैसे स्वयं बार आकर उनसे पूछा हुआ तो वो आदमी उधर है नहीं, क्योंकि पाप करके उसका तेजस अलग हो गया था। तब यहोवा ने पूछा था, मनुष्य तू कहाँ है? आज भी सारे दुनिया के लोग हम देखे तो दुनिया में कई 700 करोड़ लोग हैं,
उन सबको प्रभु यहोवा पूछता है, मनुष्य तुम कहाँ हो? यहोवा ये चाहता है मनुष्य हमारा संग रहना, हमारा साथ रहना। आप सबको मालूम है स्वर्ग और नरक दो जगह है। स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु का सन्निधि में रहकर प्रभु के साथ आराधना करके जाएगा, तब जाकर स्वर्ग में जाएगा। अगर प्रभु से कोई साथ नहीं है तो नरक में जाएगा। इसलिए कई लोग पूछा है यहोवा ने नरक बना के लोगों को नरक में क्यों डालना है, क्योंकि मनुष्य को बनाया यहोवा ने। लेकिन यहोवा ये चाहता, परमेश्वर ये चाहता है मनुष्य सब उसका आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ना है। लेकिन आज्ञा को छोड़कर हम अभी इधर भी देखेगा, दुनिया में हर जगह देखेगा तो लोग बात यहोवा की आज्ञा को मानते हुए बिना मानते हुए अपना अपना रास्ता पर चल रहे। यहोवा की आराधना करने के लिए कुछ कमी लोग है, इसके बजाय तो उसका प्रार्थना कर बजाते हम आज ये दुनिया बीत रहा है, नहीं तो ये दुनिया में बहुत मुश्किल का जगह और कठिनाई का समय आ रखा है। लेकिन भिन्न भिन्न जगह में अभी तक अभी पहले हम देश वो विदेश सबके लिए प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना का फल अब सब जी रहा है। लेकिन प्रभु ये चाहता है सब लोग प्रभु से मिलकर प्रभु के आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ना है। अब मत्ती का सुसमाचार 28 का 18 से लेकिन 20 तक पढ़ेगा तो उधर ऐसे लिखा हुआ, यीशु ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारा संग है। प्रभु बोल रहे हैं तुम दुनिया में जाकर सबको मेरे को हमारा आवाज सुनने वाला सबको दुनिया के सबको लोगों को बोल रहे हैं, जो प्रभु में आया नहीं है उसको चेला बनाने के लिए प्रभु का आज्ञा है। लेकिन लोग बार आज्ञा नहीं बनाएगा तो वो जरूर वो नरक में जाएगा। लेकिन प्रभु आगे बोल रहे हैं जगत के अंदर मैं सदैव तुम्हारा साथ रहेंगे। हम क्यों डरना है? हमारा सर हम सोच लो हमारा माँ बाप हमारा रिश्तेदार हमें सब कुछ छोड़ेगा तो भी हम हाल प्रभु का आज्ञा है दुनिया के अंदर। हम अभी जीते रहते ये दुनिया में कभी 70 साल ज्यादा 80, उसके बाद हम ये दुनिया छोड़ कर जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जो आने वाला पीढ़ी लोग हम अभी पता नहीं कितने पीढ़ी और आगे होने वाला है, लेकिन उनको भी उनके साथ भी यीशु बोल रहे मैं तुम्हारा साथ सदा रहेंगे। क्यों पूरा मैं डरना है? हमारा रोगों को हमारा काम के लिए हमारा मुश्किल के लिए हमारा परेशान के लिए सब प्रभु का आज्ञा है। प्रभु ये बोलता है मैं तुम्हारा संग हमेशा रहूंगा। इसलिए हमारा आवाज सुनने वाला भाइयों बहनों आपको कोई बात कर डरने के लिए जरूरत नहीं है। आपको कोई सहारा नहीं देगा तो अभी प्रभु यीशु मसीह आपको सहारा देने के लिए आपके साथ है। फिर भी हम आगे बढ़ते हो कहते माफ का सुसमाचार उसका 16 का 15 से लेके 18 तक पढ़ेगा तो ऐसे ऐसे लिखा हुआ, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुना सुसमाचार सुनाओ और प्रचार करो, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोष ठहराएगा। जरूर पावल जो विश्वास करने वाला में ये चिन्ह होगा वो कि वे मेरा नाम से दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, नए भाषा बोलने में बोलने भी जैसे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम दुनिया के जाकर सारे लोगों को मेरा शिष्य बनाओ, सारे जाति के लोग। कुछ लोग बोल रहे कोई कोई किसी का एक रूप का लोगों को जाति बना नहीं है, सारा कितना भी जगह अभी हमारा पासमा ने अभी बोला है हम कितना मुसीबत में भाई खेरी में पा रहे जिसको जिसको जानते नहीं है उनका सबको छेला बनाना,
इसलिए जला जला बनाने के लिए हम क्या करना है, हम सुसमाचार सुना लाना सुना लाना सुसमाचार सुनाने से क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्ति आता होकर स्वीकार करेगा तो उनमें से कोई दुष्ट आत्मा कोई भी हो वो तुरंत निकल जाएगा, दुष्ट आत्मा उसमें साथ नहीं रहेंगे। फिर जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा तो वो प्रार्थना करेगा, रोगिंगे ऊपर हाथ लेकर प्रार्थना करेगा तो तुरंत चंगाई मिलेगा। अभी इस वक्त हमारा आवाज सुनने वाला कोई भी हो, कोई दुष्ट आत्मा का शक्ति से भरा हुआ हो, कोई बीमार हो, कोई हो, आप अपना हमारा हाथ आपका सिर पर नहीं रख सकता है, आप अपना हाथ अपना सिर पर रख कर ये प्रार्थना कर लीजिएगा, प्रभु तेरा वजन में लिखा हुआ हाल जो संदान बनाया उसको प्रार्थना समझा, उसका सारा रोगों को तू दूर करेंगे। वो हमें क्या हुआ, हम प्रार्थना करके करेगा तो दुष्ट आत्मा का शक्ति हमसे अलग हो जाएगा और दुष्ट आत्मा और वो हाल रोग सब निकल जाएगा। इसलिए आज हमारा आवाज सुनने वाला कोई भी हो, इसी वक्त प्रभु का आत्मा आपसे काम कर रहा है, आपका सारा मुसीबतों को दूर करने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए, प्रभु का सब संदान बनने के लिए वो प्रभु चाहता है। उसके बाद युगन का सुसमाचार इस रगत तीन में पढ़ रहा है, यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नया सिर से नया जन्म में नहीं ले तो परमेश्वर का राज्य में देख नहीं सकता। नया जन्म लिया, हम और आप सब एक बार दुनिया में अपने माँ का साथ बैठने से जन्म लिया हुआ, और परमेश्वर बोल दिया आपको दोबारा जन्म लेना है। दोबारा जन्म किसके साथ ले रहे, प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति आत्मा का स्वीकार करेगा तो पुराना नया जन्म लेगा, जब तक नया जन्म नहीं लिया तो हालेलुया आपको स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए हम आपसे विनती कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्ति आत्मा होकर स्वीकार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद युगन का सुसमाचार एक बार में पढ़ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, जिन्होंने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने के अधिकार दिया। भाइयों बहनों हमारा आवाज सुन रहे हैं, अभी तक आप परमेश्वर का संतान नहीं है, आप जहाँ भी बैठे वही पुकार कर प्रभु मैं आपका संतान बनना है, आपका एक नाम होगा, अभी मेरा नाम हालेलुया आपका सामने बुलाया, वैसे ही हालेलुया यदि आपको सबका नाम है, हमारा प्रभु का वचन में ये लिखा हुआ अब वो नाम के अलावा प्रभु का यीशु मसीह का बेटा बनने की अधिकार मिला, कितनी अच्छी बात है। कोई भी हमें प्यार करने के लिए नहीं है, कोई हमारा काम वाम देखने के लिए नहीं है, तो भी हमारा बात सुनकर हालेलुया हमें तो प्रेस बेटा बनने के लिए अधिकार दिया है। इसलिए वो प्रभु से आप आराधना करके आगे जाना है। फिर उसके बाद हम देखेगा तो रोमर का का 23 में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि पाप के मृत्यु तो पाप, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आप हर व्यक्ति काम करने वाला है, आपको एक मजदूर मजदूरी मिलता है, दिन में हफ्ते में नहीं तो महीने में मिलता है, लेकिन इधर बोल रहे जो पाप करेगा तो उसका मजदूरी तो मौत है, लेकिन हमें मौत नहीं होना, प्रभु यीशु मसीह में कोई आएगा तो उसका कभी भी मौत नहीं होगा। ठीक है हम शरीर तौर से मरेगा, हम पहले जैसे बोला है 70-80 साल के बाद हम मरेगा, मरने के बाद भी हालेलुया हमारा ये शरीर हम प्रभु से मिलकर हमारा जो आत्मा है स्वर्ग में पहुंच जाएगा, इसलिए हमें कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए जो पाप करेगा उसको साथ मजदूरी तो मौत है। उसके बाद फिलिपियों उसका दूसरा 10:11 में ऐसा पढ़ रहा है कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु का नाम पर घुटना टेकेगा। चलो जो कोई भी व्यक्ति हो हमारा आवाज सुन ले, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहेगा नहीं तो आपका घुटना टेकेगा किसके सामने, प्रभु आएगा बादलों पर आएगा, 1000 साल ये दुनिया शासन करेगा,
उसके बाद वो सिंहासन में बैठेगा, उस वक्त आपको हालेलुया उसको सामने हरेक व्यक्ति हमने पहले बोला सात सौ करोड़ में से जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया वो सब हरेक एक एक व्यक्ति प्रभु के सामने खड़े होकर उस वक्त उसका घुटने पर खड़े रहना पड़े। घुटने पर अभी कोई घुटने पर खड़े होने की जरूरत नहीं, उसको ताकत नहीं होगा, लेकिन समय आ रहा है, इसलिए हम अभी भय के साथ प्रभु को अपना मुख्यता का स्वीकार कर लीजिए। फिर उसके बाद ये लिखा वे सब यीशु का नाम पर घुटना टेकेगा और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हरेक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। अभी हमारा भाषण ने पहले बताया हम सुसमाचार के लिए बहुत मुसीबत निंदा कष्ट उड़ाकर हालेलुया केरल से हालेलुया भिन्न भिन्न जगह से नॉर्थ इंडिया उगों का भिन्न भिन्न जगह में जाकर सुसमाचार फैलाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है तो समय आ रहा है वो सब उस दिन बोलेगा। हमने बोला आखिरी दिन में बोलेगा ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू ही है सच्चाई परमेश्वर हमको हाल ग्रहण करने के लिए मौका नहीं है। फलाने ने तो हाल टेलीफोन से भी हमसे बात किया था, नहीं तो हमारे घर में भी पर्चा दिया था, वो गिरजा में जाकर हमने आवाज सुना था, लेकिन परमेश्वर का बैठक बैठा बेटी नहीं बना, इस कारण से हम हाल लिया अभी आप तो परेशान नहीं आ रहे आगे करके तो बोलने का दिन आ रहा है, इसलिए हमें क्या करना है हाल लिया इसमें तो सब बिजने के लिए हम परमेश्वर को अपना मुक्त होकर स्वीकार करके आगे बढ़ना है। और उसके बाद रोमियो के खिलाफ दसवां का नवा अध्याय नवा पद में ऐसा लिखा हुआ यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे करो और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरा हुआ में से जिलाया तो निश्चय उधार पाएंगे। आप और हम जो आवाज सुनेगा उधर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नदी में जाकर हाल अपने पापों को धोने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई अगरबत्ती जलाने के लिए कोई दान धर्म देने के लिए कोई जरूरत नहीं। आप जहां हम भी खड़े होगा हो सकता आप बहुत बड़ा पाप किया हुआ आप हाल विचार किया होगा आप किसी को खत्म किया होगा आप झगड़ा किया होगा सब कुछ किया होगा, लेकिन जहां आप जहां जिस जगह खड़े होकर जिस जगह बैठा हो वही खड़े होकर प्रभु हाल मेरे से भाभी व्यक्ति अपने मुंह से प्रभु का अंगीकार कर हाल लिया ये बता दीजिए मैं एक भाभी व्यक्ति तुरंत आपका पाप हाल लिया मुक्ति करके आपको अपना बेटा बन जाएगा। इसलिए आप हम विनती कर रहे आप वो प्रभु को अपना मुक्त होकर स्वीकार कर लीजिएगा। तो हमने उसके आगे पढ़ रहा है हाल लिया प्रेरितों के किरा शर्मा बार में पढ़ रहा है प्रेरित लोग और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। हम देखेगा तो उद्धार पाने के लिए हम दुनिया में कई मार्ग बता रहे कई लोग कोई मार्ग बता रहे, लेकिन हम बता रहे इस रात के समय ये बता रहे दुनिया में वो कोई हाल नाम नहीं हमें हाल लिया उधार पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम दुनिया में नहीं है। हम वो सबका कोई भगवान का नाम लेगो कोई पुण्य पुरुषों का नाम लेगो कोई हाल भराना को हमारा गिरजा का बड़े आदमी का नाम लेगो कुछ भी नहीं हो सकता। प्रेस चलो हमारा एक ही मुक्ति रहता है क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसका द्वारा आप उदास पाएंगे। हम देखेंगे वहाँ भाई किसी का फोटो लगा भाई अगरबत्ती लगाता है मोमबत्ती लगाता है उधर नमस्कार करता उससे कोई फायदा नहीं है। आप अपना हृदय में ये विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह तू ही है सच्चा परमेश्वर। इसके अलावा आप किसी इंतजार के नाम पर पुकारे तो भी आपको उद्धार नहीं पा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद हम ये लिखा हुआ है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक बगले तिमथी दूसरा पांच और छह में ये लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर एक ही है एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही है हालेलुया विजयी है अर्थात
मसीह यीशु जो मनुष्य है, परमेश्वर एक आवास से नीचे पृथ्वी के बीच में एक ही एक नाम है प्रभु यीशु मसीह का। यीशु मसीह के अलावा मुक्ति पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई आप दूसरा रास्ता में अभी तक चल रहे हैं तो वो रास्ता छोड़कर आप प्रभु यीशु मसीह के बीच पर आकर उनसे विनती कर अपना बेटा बन जाएगा। फिर उसके बाद हम देखता है हालेलुया, प्रेरितों का किताब 28:28 में ये लिखा हुआ, तो तुम जाने के परमेश्वर के इस उद्धार को क्यों अन्य जातियों के पास भेजा गया है और वे सुनेगा। अभी हम जातियों को, हम सब अन्य जाति है, यहूदा लोग जो छोड़कर सारे लोग, अंग्रेज हो कोई भी हो, सब जाति लोग कहता था, सब जाति लोगों के साथ सब ये सुसमाचार फैलने के लिए सुबह दिया। इसका भी तो आप अभी सुन रहे हैं सुसमाचार, इसलिए हम धन्यवाद करता है। यदि आप इतना खा ले लिया ये सालवेशन, ये मुक्ति छोड़ेगा तो आपको बड़ा नाश होने वाला है। हम देखे तो अभी बहुत नाश हो जाए, आज भी हम हमारा जो जगह रहता है उधर दो बार भूकंप हो गया, हम पता नहीं बहुत बड़ा भूकंप होने वाला है, दुनिया नाश होने वाला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पकड़े बहुत नाश होने वाला है, इसमें से बचने के लिए हम क्या करना चाहिए। हिब्रू का किताब 2:4 में ये लिखा हुआ, तो हम लोग ऐसा बड़े उदार से निश्चय रहा कर क्यों कर बच सकता है। प्रभु से अगर बाल आप विनती करके हाल कोई नाश नष्ट हो गए तो भी आप बच जाएगा, आपका आत्मा बच जाएगा। कोई सोच रहे मर गया, मौत हो गया, एक एयरपोर्ट हो गया, एक सुनामी आ गया, हाल एक बड़ा अंधेरी आ गया, तो भी आपको कोई डरने के नहीं, आपका आत्मा परमेश्वर से बंधा हुआ है, आपका आत्मा कभी भी नाश नहीं होगा, आत्मा स्वर्ग में पहुंचाएगा। दूसरे बात भाई ये लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, और प्रेज द लॉर्ड यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन पुराने के लिए और पापों को क्षमा का प्रचार उसके नाम से किया जाएगा। अब यरूशलेम से लेकर पुराना लोग जब यीशु मसीह आए तो यरूशलेम में प्रचार करता था, लेकिन अभी हम देखते तो हाल दुनिया के हर कोने में, हम जहाँ भी दाखिल जाए तो हालेलुया, हम इंडिया से आया होगा, हम अगले बार कुछ दिन के बाद हम जा रहे हैं, लेकिन हम जाते वक्त भी हम इधर भी आएगा तो कई लोगों को सुसमाचार बताने के लिए, सुसमाचार के बारे में बताने के लिए मौका दिया, तो हम कई लोगों से पूछे तो बोल रहे हालेलुया, यीशु मसीह को अभी तक सुना ही नहीं है, ऐसा काफी लोग है। इसलिए हमारा कर्तव्य है प्रेरित लोग यीशु मसीह को बारे में सुनाने के लिए, इसलिए आप हाल यीशु मसीह को मुक्तिदाता होकर स्वीकार करने के लिए आप हाल लिया आगे बढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद उससे क्या होगा, उसका फल क्या हो गया, न्याय और नाश काल से विमुक्त किया जाएगा, आपको नाश नहीं होगा, नाश काल भी नहीं होगा। फिर उसके साथ हाल लिया आप शत्रुओं से बचेंगे, हमारा शत्रु हमें हाल लिया धोखा देकर किसी तरह से हमें मार डाले, कुछ हो बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, हमारा आत्मा को तो खत्म नहीं कर सकता है, हाल हमें शत्रुओं से बचाएंगे। फिर हाल लिया फिर पाप से हमें मुक्ति मिलता है, हम प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करने से जितना भी पाप किया हमने पहले बोला है सारा पाप में से मुक्ति दिलाता है। फिर उसमें देखे तो गुलामी से हमें मुक्ति मिलता है, फिर हमें देखेगा तो पांचवा भाव देखेगा तो जीवन और ताकत मिल जाता। हम हाल हमारा आवाज सुनने वाला व्यक्ति हो आपको जीवन, आप रोग हो हाल किसी पैसा की शक्ति से आप बंधा हुआ हो, हाल हमारा बात आवाज सुनते वक्त भी आपको जीवन और ताकत मिल जाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हाल आपको जीवन देने के लिए, हाल समृद्धि का जीवन देने के लिए दुनिया में आया, आपका सारा काम को पूरे करने के लिए वो दुनिया में आया। फिर तो उसके बाद हम देखेगा तो हाल मृत्यु और साप में से हाल मुक्त है, मृत्यु आपको हमने बोला है हाल जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह में ग्रहण करेगा उसका आत्मा को मृत्यु नहीं होता, अनंत काल का जीवन मिलेगा। अनंत काल का जीवन मतलब हम बोले हम
80 साल के बाद हम मर गए तो भी हमें हजारों करोड़ों 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 साल पूरी जिंदगी है, प्रेज करो हालेलुया, वो जिंदगी में प्रेज करो हालेलुया, आपको नाश नहीं होगा हालेलुया। हमें एक नया जगह में स्वर्ग में जा रहा है, वो स्वर्ग के लिए हम हालेलुया काम कर रहा है, और स्वर्ग में हम प्रवेश करने के लिए हम तैयारी में बैठा है, इसलिए हम आपसे विनती कर रहा है हालेलुया, ये प्रभु यीशु मसीह से हालेलुया अपना मुक्तिदाता होकर स्वीकार कर आप आगे बढ़ लीजिएगा, यदि हालेलुया प्रभु से आप हालेलुया आगे बढ़ना है तो आप दुनिया के अपने जग में कुछ बुरा काम में से अलग होना चाहिए, हालेलुया आपको क्या व्यभिचार नहीं करना चाहिए, गंदो काम में नहीं करना चाहिए, लूटपन हालेलुया, मूर्ति पूजा देना बायर झगड़ा ईर्ष्या क्रोध विरोध फूट विधर्म साग मतवालन लीला क्रीड़ा, इस बातों को अब अलग होना चाहिए। फिर उसके बाद लिखा है शरीर का अभिलाष और आंगों का अभिलाष जीवन का गमंड पर आप मुक्ति होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं हालेलुया हम ये देखता है आप लोभी लोभी या मूर्ति पूजक और देखने या मामदगा करने वाला है, ये सब बात में से आप अलग होना चाहिए। और उसके बाद देखता है प्रिया भगन से और हालेलुया इस बातों से अब अलग होना चाहिए। इस हमने जो बात बताया ये काम हमारा जिंदगी में करना नहीं है, हमें कोई क्रोध नहीं चाहिए, राज नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं करने, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ये सब अलग होकर हालेलुया अब आगे बढ़ना है, तभी जाके आपको प्रभु का हाल राज में प्रवेश हो सकता है, आपको जिंदगी में अभी तक शांति और समाधान नहीं है तो हालेलुया आपका हालेलुया स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए आप हालेलुया आगे बढ़ना है। हमारा टाइम अगर खत्म हो रहा है, मैं उसको बंद करना चाहता है, हमारा आवाज सुनने वाला हालेलुया सारे व्यक्तियों को हम ये प्रार्थना कर रहे आप प्रभु से हालेलुया आगे बढ़ लीजिएगा। हम आखिरी में ये प्रार्थना करता है यहोवा तुझको आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपना मुंह का प्रकाश चमत्कार और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुंह तेरी और करे और तुझे शांति दे, ये प्रभु आप सबको शांति और अनुग्रह दे। हालेलुया प्रभु का साथ आप रहेंगे, हालेलुया अभी तक हमारा आवाज हम धन्यवाद करता है एक बार और हालेलुया हम सबके लिए आप सबके लिए प्रार्थना करके हम हालेलुया प्रजा से हालेलुया हम बैठ रहे हैं, प्रभु सबको आशीष दे, आमेन हालेलुया। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। यह दिन की वाटिका से गूंज उड़ने वाला परमेश्वर की आवाज मनुष्य को और तू कहाँ है, उस आवाज सदियों सदियों पार करते हुए आज इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपको कानों में भी गूंज उड़ रहा है, हालेलुया। तू कहाँ है, परमेश्वर मनुष्य को कितना प्रेम किया है, परमेश्वर को मालूम था कि मनुष्य ने पाप किया है, परमेश्वर की हुक्मों को उल्लंघन किया है, परमेश्वर से अलग हो गया है, लेकिन उनको जाने दे ऐसा परमेश्वर ने ना सोचा। उन्होंने मनुष्य को ढूंढ कर आया और पूछा है मनुष्य तू कहाँ है। आज भी परमेश्वर वही सवाल पादरी साहब के द्वारा हमने सुना है कि आज ही परमेश्वर वही सवाल आपसे पूछ रहा है, तू कहाँ है मनुष्य, तू मुक्ति को ढूंढ कर कहाँ गए हैं, तू शांति को ढूंढ कर कहाँ गया है, तो स्वर्ग को ढूंढ कर कहां गया है। परमेश्वर बोलते हैं मेरे पास आओ, हालेलुया। इन सारे आज जितने पादरी साहब ने बहुत ही गहराई में आज परमेश्वर की वचन की सदकाई से कहा कि मन फिराओ और मुक्ति पाओ, हालेलुया। यही परमेश्वर की इच्छा है आपके द्वारा आपके लिए, हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्य ने पाप किया, इस पाप के कारण रोग आया, उस रोग के कारण मरण आया, सारे श्राप आए, हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन सुनने वाला
हर एक व्यक्तियों को उस श्राप से, उस मरण से, उस रोग से छुटकारा देना चाहते हैं। परमेश्वर पूछते हैं, आप कहाँ हो? क्या आप परमेश्वर को जवाब देंगे, हाँ परमेश्वर मैं उस आवाज को सुन रहा हूँ, और मैं मेरा 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 मार्गों से मन फिराकर मुक्ति पाना चाहते हैं। हालेलुया। जितने लोगों ने वचन सुना है और जितने लोग आज तक परमेश्वर की संतान, बेटा या बेटी ना बने हो, आज आपका जीवन में ये मौका परमेश्वर ने एक और बार दिया है कि मन फिराकर परमेश्वर की संतान बने, परमेश्वर की बेटा बने, परमेश्वर की बेटी बने। हालेलुया। ये बड़ी सौभाग्य की अवस्था है कि परमेश्वर की बेटा कहलाना और परमेश्वर की बेटा बनना, बेटी बनना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्ग राज्य की ओर हमें ले जाने के तात्पर्य से परमेश्वर फिर से आपके कान में इस आवाज को डाल रही है, तू कहाँ है, तू कहाँ है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे सुनना चाहते हैं, आप कहाँ हो? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज की वचन की सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और जिन परमेश्वर के दास ने आज की वचन की सेवकाई किया, उनकी सेवकाई को परमेश्वर आने वाले दिनों में बहुत से आशीष देने के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रार्थना में हम थोड़ी समय और लगे रहेंगे। हालेलुया। एक प्रार्थना की विनंती मुझे मिला है। एक है कि एक व्यक्ति भारत की ओर जा रहा है, उसके नाम है डॉक्टर अजय, डॉक्टर अजय। उनका प्रार्थना का विषय है कि वो लोग भारत की ओर जा रहा है, उनकी सवारी मुसाफरी में परमेश्वर उन्हें मदद करने के लिए, सारे विपत्तियों से उन्हें बचाने के लिए। और जितने लोग मुसाफरी करते हैं, भले कार में हो, एयरप्लेन में हो या अन्य मोड में हो, परमेश्वर उन सभी की मुसाफरियों में, खास करके जो लोग बहुत दूर तक मुसाफरी करते हैं, उन सारे लोगों को मुसाफरियों में, खास करके जिन डॉक्टर ने, अजय ने इधर इधर विनती किया है, उनकी मुसाफरी में परमेश्वर उनके साथ रहने के लिए एक व्यक्ति अपना आवाज को ऊपर। धन्यवाद हो आज रात के प्रेयर लाइन में परमेश्वर ने हमें सहायता किया। थैंक यू पास्टर सी एस मैथ्यू टू लीडिंग द प्रेयर लाइन एंड पास्टर पीजे मैथ्यू फॉर डूइंग द मैसेज, सिस्टर बिनू फ्रॉम सऊदी फॉर रिलीजिंग द सिंगिंग द सॉन्ग। थैंक यू ऑल द प्रेयर लाइन पार्टनर्स फॉर ज्वाइनिंग इट। मे गॉड ब्लेस अस ऑल एंड हैव ए गुड नाइट। थैंक यू। Gracias.